अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक बुकिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर यूजर्स जो हैं वो आके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं कोई भी आपकी सर्विस की। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये सारा कुछ किस तरह से पॉसिबल होगा। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू वेबसाइट। सिंपल क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए किस तरह की वेबसाइट पर कंसल्टेंट। चले मान ले कंसल्टेंट की वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंसल्टेंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे लेट्स सपोज बुकिंग सर्विसेज, लेट्स से वट एवर, जस्ट मैंने यहाँ एग्जाम्पलरी टाइप किया है। तो यहाँ पे देखें जो चैट का और बुकिंग का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आ गई। तो अब आप यहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, या कोई और जैसे प्राइसिंग प्लान्स ये ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे। अब जब नेक्स्ट में जाएंगे तो इन्हीं जो रिक्वायरमेंट्स हमने दी हैं जो टेम्पलेट पे क्लिक कर रहे हैं तो वही वाली टेम्पलेट नज़र आएंगी जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हमने दी है। यहाँ पे देखें रियल इस्टेट कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट कंपनी, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी डिज़ाइन अवेलेबल है। ब्लॉग भी इवन अवेलेबल है। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं लेकिन अभी हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे राइट नाउ जो मुझे अच्छा लग रहा है, आई गेस इट्स सीम्स लाइक अ प्रोफेशनल टेम्पलेट, तो मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद सिंपल यूज दिस टेम्पलेट और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो हमारी टेम्पलेट है वो लोड हो जाएगी और हम उसको डिफरेंट तरीके से एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है वो है बुकिंग का, कि आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे। उसके भी जिस तरह से लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि मैनेज पोस्ट और मैनेज बुकिंग्स का ऑप्शन था, इसी तरह यहाँ पे भी जो है मैनेज बुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा। मैनेज प्रोडक्ट और मैनेज पोस्ट का ऑप्शन था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैनेज बुकिंग का ऑप्शन होगा। बेसिकली जो हम रिक्वायरमेंट्स देते हैं उसके रेलिवेंट ही हमें जो एप्लीकेशन है विक्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें हमारे पास सॉल्यूशंस है और ये सारी चीज़ें हैं बुकिंग्स के लिए और लाइव चैट भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पेजेस एंड मेन्यू पे, यहाँ पे देखें बुकिंग का खासा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं अगर आता हूँ ऐड सेक्शन पे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बुकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। ये देखें ये बुकिंग्स का ऑप्शन है और मैं जहाँ पे भी लेट्स सपोज यहाँ पे इसके ऊपर या इसके नीचे मैं ऐड करना चाहूँ बुकिंग का, तो मैं लेट्स से इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड बुकिंग इसके नीचे इस तरह से, तो ये एप्लीकेशन से जो ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुई थी स्टार्ट के अंदर वो यहाँ पे उसका विजिट ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऐड होने में। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। इसको अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहूँ तो मैं वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज क्विक एडिट्स, लेआउट एक्सप्लोरेशन, क्विक एडिट्स के अंदर मैं जो इसका है टेक्स्ट, बल्कि मैं टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहा था तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो इसका है वो कलर है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ वाइट के अंदर, which will be looks more prominent। इसको अगेन मैं डबल सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे वाइट। अगेन इसको बटन को भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ वाइट, ताकि अच्छे से प्रोमिनेंट हो। ये डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से ये वाला बटन मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैंने ये बटन यूज़ कर लिया। ओके, अब दैट्स वॉट आई लव अबाउट विक्स, कि आपको ज़्यादा काम इतना नहीं करना पड़ता।
जैसे मैंने यहाँ पे वो विजिट ऐड किया तो यहाँ पे देखें आप ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली मेन्यू के अंदर ऐड हो चुका है बुक ऑनलाइन। तो इतना अच्छा जो AI है इनका वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो अब लेट्स सपोज मैं इस पर बुक ऑनलाइन पे क्लिक करूँ और मैनेज सर्विसेज, देखें यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यही वाली ऑप्शन जो आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर भी नज़र आएंगी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वहाँ से आप मैं अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइजेस रख सकते हैं और वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्राइजिंग प्लान्स ऐड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखें बुक कैलेंडर है हमारे पास, तो उस कैलेंडर को हम ऐड कर सकते हैं कि हम किन किन स्लॉट्स में अवेलेबल हैं, किन किन स्लॉट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखें ऐड सेशंस, ओके। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो भी स्केड्यूल है उस पूरे डे का 17th का वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। राइट नाउ हमने कोई भी जो है वो ऐड नहीं किए हुए, यहाँ पे हमने कोई सर्विसेज भी ऐड नहीं की हुई यहाँ पे। हाँ, तो हम इस तरह से जो है सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अपग्रेड टू बिजनेस प्रीमियम प्लान सो क्लाइंट्स कैन बुक योर सर्विसेज ऑनलाइन। मैंने कहा था स्टार्ट के अंदर कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास प्रीमियम प्लान होना चाहिए वीक्स का। तो आई होप इतने में आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरह से हम इस तरह की डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।